हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं कहीं जहाँ पे हम पहले कभी भी नहीं गए हैं। और आज हमारे साथ सृष्टि नहीं जा रही है क्योंकि सृष्टि का एग्जाम था और सृष्टि के दो एग्जाम है एक साथ, तो ऐसा भी नहीं है कि हम लेट जाएं और उसको साथ लेके चले जाएं क्योंकि वो बहुत देर में आएगी। तो आज इसके बिना जा रहे हैं हम, और आज हमारे साथ आ रहा है रीशू, तो वो अभी रास्ते में है और बाकी अब हम भी निकल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं बिब्बू है। हाँ भाई, क्या अभी उठाया क्या? कल क्या सारा फेस्ट सबसे आगे बढ़िया। हाँ हाँ, ये है बिब्बू का स्टडी एरिया। चलो ठीक है, हम तो जा रहे हैं। बाय। दरवाजा बंद कर दियो, अगर कुंडे लगा दियो मतलब। तो अभी हम बोटानिकल गार्डन तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें और आगे जाना है, पर अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि रीशू इतना लेट करे जा रहा है। अभी भी वो मेट्रो में है तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में आगे जाएंगे। और आगे जाना है अभी। और यहाँ से जहाँ हमें जाना है ना, हमें रास्ता भी ढंग से समझ नहीं आ रहा है। आ जा आ जा आ जा आ जा, बिना लेट कराए तो मानता ही नहीं है ना। तो अभी हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम एक्वा लाइन से जा रहे हैं क्योंकि अगर बाय रोड जाएंगे तो शायद हमें ट्रैफिक मिल जाए तो हमें और लेट हो जाएगा। तो अब हम मेट्रो से ही जा रहे हैं। उल्लू पका रहा है हमको, दिखा तूने, कुछ तो बोला नहीं है उसमें, पहले दिखा, हमको प्रूफ चाहिए, हमको रीजू पे भरोसा नहीं है। सात स्टेशन बोल के पता नहीं कितने देर में आया ये। अरे तो वो मेट्रो धीरे धीरे चल रही थी ना। हम्म, वो भी अपना वादा बंद करना। तू बना बना, पहले मेरे को प्रूफ चाहिए कि तू बना रहा है। अरे बनाना, बोलना क्या, मैं बताऊंगी। चलो भाई, यहाँ पे इन्होंने वॉल आर्ट कितना मस्त कर रखा है सामने। और अब हमें यहाँ से जाना है एक्वा लाइन के लिए, तो सामने से लेनी है। अभी हमने यहाँ से नोएडा से तो एग्जिट कर लिया। यहाँ पे पिंक कलर के ऑटो है, कितना मस्त लग रहा है, क्यूट सा। ओहो ओहो, ऑटो देखते हैं, वो पता नहीं मिल ही रहा, मेट्रो स्टेशन ही रहा है। ऑटो देखते हैं, वो पता नहीं मिल ही रहा, मेट्रो स्टेशन ही रहा है। हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑटो वाले बोल रहे हैं वेनिस मॉल वेनिस मॉल, तो सोच रहे हैं कि वेनिस मॉल ऑटो से ही चले जाए। कैसे ऑटो से ही? तो अभी हम पहुँच चुके हैं वेनिस मॉल और इसका एक्सटीरियर तो काफी अच्छा है क्योंकि वेनिस की थीम में है ना। और हम इतनी लेट पहुंचे, मेरे को नहीं पता था कि हमारे घर से इतना दूर होगा, पता होता ना तो फिर थोड़ा सोच के आते। हम कुछ खाकर भी नहीं आए और इतनी भूख लग रही है ना कसम से, तो पहले हम सबसे पहले खाएंगे और फिर जाएंगे कहीं भी जाएंगे। तो ओ भाई, आर्किटेक्चर तो सच में बहुत अच्छा है और हम तो पहली बार आए हैं। अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। अभी ढूंढा है हमने फूड कोर्ट कहाँ पे था, तो अब वहाँ पे जा रहे हैं हम तो कितना ऊपर आ चुके हैं जब से बोले जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर 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 जाना खाने के लिए, इतना ऊपर आ चुके हैं हम। अब यही है फाइनली, बता क्या खाना है। मस्त वाला मॉल में आया हम जिसकी लाइट चली गई। तो अभी हम वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि ये वाली जगह ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये वाली चेयर इतनी ऊपर है, इतनी मेरी हाइट है। फाइनली हमारी एक डिश आई है अभी, थैंक यू। चलो अब हमारा डोसा भी आ गया है, हमारे सिजलर भी आ चुके हैं, स्प्रिंग रोल भी आ चुके हैं। सृष्टि भी सोच रही होगी यार इन्होंने ये सब खाया, हमको सृष्टि की इतनी याद आ रही है ना, हम बार बार ऐसे ही बोले जा रहे हैं काश सृष्टि भी आ सकती, सृष्टि भी आ सकती है ना। तो अभी हमने खाना वाना तो खा लिया, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम स्नो मस्ती जा रहे हैं जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए थे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे, ऋषि तेरी तरह लग रहा है, ऋषि की तरह लग रहा है ना। तो अभी हम इसमें ही जा रहे हैं स्नो मस्ती। ये मस्त लग रहा है यहाँ पे देखो। बहुत तेज की हवाएं चल रही है बड़े वाले पंखे से। स्नो मस्ती देखते हैं अब अंदर जाके ये कैसा होता है। हम यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आए हैं, हम सबका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं कैसा होगा, कितना ठंडा होगा। हाँ, दिल्ली की गर्मी में कितना ठंडा होगा। हाँ, तो हमने टिकट भी करवा ली है, एक बंदे की 800 रुपए की थी ना, 800 रुपए की टिकट थी एक बंदे की, देखते हैं कितना पैसा वसूल होगा। हाँ यही देखना सबसे पहले, तो मेरे को तो लग रहा है रात तक यही बैठना पड़ेगा तभी पूरा पैसा वसूल होगा। मैं तो सॉक्स डाल के नहीं आई थी इसलिए मुझे 50 रुपए की एक्स्ट्रा सॉक्स भी लेने पड़ी। तो अब हम चलते हैं।
हमारी जैकेट पे आ गई है। चलो भाई ये तुम्हारी जैकेट है। बोल रहे इसको ये वाला कलर नहीं चाहिए। अरे वाह मेरी भी आ गई है। ये ले भाई ग्रीन ही आ रहा तेरे लिए। नखरे पूरे पैसे दिए, पैसे वसूल करेंगे हम। अब हम बार बार चेंज कराएंगे तो हम पे गुस्सा करेंगे। वो फिर से चेंज करा लिया तूने? मैजिक मैजिक यार, मैं ही ऑड वन आउट मैंने बोला था यार। देख ड्रेस हरी जूता नीला मांग रही थी। चलो भाई हम सब तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। चलो मैंने तो बच्चे वाला पहन लिया। लिलीपुट के हाथ लग रहे हैं। सेट टू गो। ओ भाई ओ भाई। मुझे कैसे भाप निकल रही है? कैसा लग रहा है? मस्त। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी टच करके देखते हैं इसमें बर्फ कैसी है। ये असली की है देखो। हाँ तभी ग्लव्स दिए, पर मैं ब्लॉग करने के लिए ग्लव्स उतारने पड़ रहे हैं। दिल्ली में मना ली। अब दिल्ली वाले ऐसे फील ले रहे हैं इसकी। इधर चला मैं उधर चला। छोटे बच्चों के झूलों में बैठ गए दोनों। वही सच्ची में हाथ की ऐसी की तैसी हो रही। ऐसा लगा ग्लव के अंदर ही हाथ रखो। अब इसको बार बार ऑन करने के लिए, वीडियो ऑन करने के लिए ग्लव उतारना पड़ रहा है। सही में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है ना जूतों के अंदर तक। अभी ठंडा ठंडा स्नोमैन बना रही है। बनाते रहो। ये केमिकल वाली बर्फ है, जमती नहीं है। चश्मा साफ कर ले पहले। चश्मा हो गया। माँ मुझे सब दिए दे रहा है। माँ डायलॉग मार डायलॉग मार। आई ना बर्फ। ये क्या हो रहा है? तो हमें फ्रीजर में बिठा दिया। तूफान आ गया गाइस। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। माइनस बहुत ज्यादा माइनस है और डबल माइनस हो चुका है। अभी ये तो पैकिंग है माउंटेन वाली। ऐसा डर लग रहा था कि मुंह में ना लग जाए सीधा गिर के। यहाँ से बस उतरना है। ये क्या धोखा कर रहा तूने मेरे साथ? ये वाला जो था ये माउंटेन ट्रैक था। अब हम जा रहे हैं कौन सा ये क्या है ब्रिज है ना। ये तो पहले भी किया हुआ है पीरू। ईओडी में करा था ना ये। हाँ ये तो हमारी फौजी है। यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ से वो स्लाइड है सर। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बस हम जाए जा रहे हैं रास्ता लेके जा रहे हैं। अरे वो स्लाइड कहाँ थी? हम तो बाहर आ गए। ये मार। पर ये बर्फ ना सारी फ्रीजर की बर्फ जैसी है। दिख नहीं रहा है। तो भाई स्नोफॉल शुरू हो गई है। वो पूरी की दुकान देखो। बैग में बर्फ जम गई। अभी हम जुगाड़ बिठाएंगे। अबे इग्लू के अंदर घुस जा। इग्लू के अंदर तो कोई चाय मिल जाती तो मजा आ जाता है ना। यार हमने पैसे दिया मजे करने के लिए। चलो बाहर चलो। आजा आजा आजा। ओ मजा आ रहा है भाई। और रीटो जो तूने ठुमका मारा है ना वहां पे कहां पर? अब हम सोचे कि उस वाले में जाएं। साइड में वही डर लग रहा है कि सीधा मुंह पे लगेगी। पोलर बियर आ गया। चलो अब रिश्तू जा रहा है इस वाले से। कैसा लगा? अब अब्बू आ रही है। अबे तो इतनी स्लो क्यों? आपका काम इतनी हो गया। ये हमेशा आधे में रुक जाती है। अरे बहुत चिकन ला राम जाना। पप्पू के साथ हमेशा ही ऐसी होता है। हर चीज में आधे में अटक जाती है। अबे हाथ से मिसला देना।
स्कूल वाले चलते तो चलो कैसा लगा डर मैंने डाली मेरे को बॉर्डर लग रहा है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं उसको ऐसे रखना कमर को हां हां हल्की सी चूक होगी तो कोनी और ये सर जाएगा छोड़ो भाई स्नोमैन इस बर्फ में बनेगा भी नहीं है वैसी वाली नेचुरल बर्फ नहीं है जमने वाली मजा तो बहुत ज्यादा आया है लेकिन बहुत ज्यादा ठंड लग रही है पैर ऐसे एकदम सुन्न हो चुके हैं अब ऐसा लग रहा है जल्दी से यहाँ से चलो चलो भाई चलो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पैर अब तो काम ही नहीं कर रहे हैं एक तो ये नेचुरल बर्फ में नहीं है तो इसमें बट सॉलिड मजा आया तो बहुत मजा आया मजा तो बहुत आया क्या है जाकर क्या भाई इतनी गंदी तरह से बर्फ आ रही है ना ऋषु ने पी अरे चलते घर चलने का टाइम हो रहा है चलो 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 घर चलते अब मैं बुआ से शिकायत लगाऊंगी बुआ बुआ देख लो इसको बदला बदला लिया जा रहा है यहाँ पे फुल टूप फुल टूप तो अभी हम वहाँ से तो वापस आ गए और ऋषि ने इतनी तेज की बर्फ मारी ना मेरे मुंह पे सीधा सारा गीली हो गई मैं लेकिन यहाँ पे बाहर आके इतनी ज्यादा राहत मिल रही है ना कसम से पर तो ऋषि तो बहुत पिटेगा मेरे से थोड़ी देर वहाँ पे जाने के बाद ना तब ऐसे मजा आने लग गया था पर फिर बाद में ऐसे हो गया था कि अब चलता है वापस क्योंकि इतनी तेज की ठंड लग रही थी तो अभी टाइम हो गया 6 बज गए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं काफी मजा आया काफी कुछ किया और ज्यादा तो शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे ना बर्फ में हाथ जम रहे थे एकदम से मन ही नहीं कर रहा था हाँ तो बहुत ज्यादा उसमें हाथ जम जा रहे थे अल्टीमेट मजा सही होती ना तो और मजा आते हमको तो ऑटो वाले अंकल ने इतना पहले उतार दिया और मेट्रो स्टेशन इतना आ गया और हमारे पैरों में भी इतना दर्द हो रहा है हमारे पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है और उन्होंने बोला कि 50 मीटर आ गए और अभी हम कितना चल के आ गए कट के लेफ्ट भी हो गया है तो अभी हम मेट्रो से तो उतर गए और हम जा रहे हैं सृष्टि के लिए कुछ लेने के लिए क्योंकि उसने बोला कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना वरना वो गुस्सा हो जाएगी और पहले लेके नहीं गए हाँ एक तो पहले हम उसको लेके नहीं गए इतनी अच्छी जगह पे तो अब हम सोच रहे हैं कि उसके लिए कुछ लेके चल लेते हैं चलो अभी हमारा ना गोलगप्पे देखते ना गोलगप्पे खाने का मन कर गया तो अभी हम सोच रहे हैं गोलगप्पा खा के जाएंगे कि हमने वहाँ पे जो गोलगप्पे खाए थे ना इतना नमक था भाई गोलगप्पों में से विश्वास उठ गया अपना विश्वास दोबारा लाने के लिए हम खा रहे हैं आटे की है आटे की है मुझे भी भैया तो पूरी ऐसे सजा के दे रहे हैं क्या वापस क्यों रहे हो गोलगप्पे वगैरह तो खा लिया अब सीधा हम रिक्शा पकड़ते हैं और घर चलते हैं घर हम पहुंच गए और सृष्टि तू नाराज है मुझे लगा हमारे ब्लॉग में ब्लॉग कर रहा होगा क्या बात है और यहाँ पे हमारे चाचा भी आ रखे हैं जो कोटद्वार में मिले थे तो बाहर से आके हमने खाना वाना खा लिया और आज तो हम काफी थक गए तो मजा आया पर बहुत ही ज्यादा बस एक बात का दुख है कि सृष्टि हमारे साथ नहीं जा पाई तो कोई नहीं हम सृष्टि को भी वहाँ पे लेके जाएंगे या फिर उससे भी अकेले जाऊंगी अकेली जाएगी अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं तो ब्लॉग को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बाय जुगाड़ दे वो इसका यहाँ पे बैग का जुगाड़ दे रहा कैमरे में बर्फ जम गई।